मैं देशवासियों को बड़े विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम धैर्यपूर्वक पूरे विश्वास के साथ कोविड के खिलाफ जंग में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते जाएं, अपने कोविड वॉरियर्स के ऊपर विश्वास रखें। हमें इस कोविड की जंग का जो ये दूसरा एक फेज़ आया है, वेरिएंट्स के कारण आया है और दूसरे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को समाज के द्वारा थोड़ा निग्लेक्ट करने के कारण आया है, इसमें भी हमारे को कामयाबी मिलेगी। और विशेषकर हमारे कोविड वॉरियर्स, डॉक्टर्स, हमारे नर्सेज, अस्पताल में काम करने वाले अन्य सभी हेल्थ वर्कर्स, फ्रंटलाइन वर्कर्स, उन्होंने 1.25 साल लगातार कोविड के खिलाफ जंग को लड़ा है और समय की परिस्थिति के हिसाब से जो जो कुछ आवश्यक है उसको मोल्ड कर नई नई व्यवस्थाओं को क्रिएट करने का प्रयास किया है। इस अवसर पर सभी कोविड वॉरियर्स को हृदय से नमन करता हूं। डॉक्टरों ने, आपने सबने 1 साल तक, पहले भी मैं यहाँ लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में 2020 में भी आया 2 बार और मैंने देखा कि किस प्रकार से डेडिकेशन और कमिटमेंट के साथ हम लोगों ने अपने कोविड मरीजों के प्राण की रक्षा के लिए अपने आप को समर्पित किया। आज भी यहाँ जब आया हूँ तो पिछले साल से ये फ़र्क है कि यहाँ एक व्यवस्थित सुव्यवस्थित तरीके से वैक्सीनेशन का कैंपेन भी चल रहा है। इस बीच में देश में 2 वैक्सीन्स भी जो है भारत के लोगों के लिए उपलब्ध हो गई हैं। और आज जब हम अभी लेडी हार्डिंग मेडिकल कॉलेज में वैक्सीनेशन की सुव्यवस्थित प्रक्रिया को देखकर आए हैं तो मुझे खुशी है कि भारत ने 15 करोड़ से ज़्यादा डोजेज़ जो है वो अपने 45 साल से लोगों के, बड़े लोगों को और उसके साथ साथ अपने हेल्थ वर्कर्स को, अपने फ्रंटलाइन वर्कर्स को उपलब्ध करा दी है। 1 साल में जो भी अनुभव हम सब ने मिलकर प्राप्त किया है उस संपूर्ण अनुभव का पूरी गहराई और गंभीरता से इस्तेमाल करते हुए जिस प्रकार से 1 वर्ष आपने सबने मिलकर काम किया है, ऐसे ही अभी जो इस समय एक जो अचानक पिछले 1.5-2 महीने में जो केसेस में तेज़ी से बढ़ोतरी हुई है उसके कारण जो आप सबके वर्किंग के ऊपर जो प्रेशर आया है, दबाव आया है, स्ट्रेस आया है, इसको भी हम उतनी ही आत्मविश्वास के साथ उसको हैंडल करेंगे और उसके साथ हम उसी प्रकार से लोगों की चिंता करेंगे। मुझे पूरा इस बात का विश्वास है। देशवासियों को बड़े विश्वास के साथ ये कहना चाहता हूँ कि हम धैर्यपूर्वक पूरे विश्वास के साथ कोविड के खिलाफ जंग में अपना अपना कॉन्ट्रीब्यूशन करते जाएं, अपने कोविड वॉरियर्स के ऊपर विश्वास रखें। हमें इस कोविड की जंग का जो ये दूसरा एक फेज़ आया है, वेरिएंट्स के कारण आया है और दूसरे कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर को समाज के द्वारा थोड़ा निग्लेक्ट करने के कारण आया है, इसमें भी हमारे को कामयाबी मिलेगी। आप सबके स्वास्थ्य की बेहतर कामनाओं के साथ आपको बहुत बहुत धन्यवाद।